नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का SBIPO प्री का एग्जाम हो चुका है और अब नेक्स्ट SBIPO प्री में डिसेंट अटेम्प्ट किए, मतलब 65 से या 65 से प्लस अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रखे हैं, वो बच्चे अब SBIPO मीन्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। और प्रिपरेशन के लिए मेरी तरफ से कुछ बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी सजेशंस। तो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले जो अपने रीजनिंग क्वांट्स के सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए मैं हाईली सजेस्ट करूंगा, एक तो फ्री में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो M3 वाली प्लेलिस्ट, अगर आप पेड अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेबी सब्सक्रिप्शन अब भी चल रहा है, अभी भी टीम ने पीछे से रिमूव नहीं किया, आप अभी भी जाके बेबी सब्सक्रिप्शन जो हमारा 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन वो परचेज कर सकते हो। और एक बार जब उसे परचेज कर लो तो आप मेरे टेलीग्राम आईडी पे मैसेज डाल देना, मैं ऑर्डर पे बता दूंगा कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसे आप पूरा प्रैक्टिस का करना चाहते हो तो M3 वॉल्यूम 3 अभी चल रहा है, पुराने में अभ्यास 1.0 और 2.0 था। अभ्यास 1.0 में मिसलिनियस की सारी प्रैक्टिस थी रीजनिंग वांट्स के लिए, और अब अभ्यास 2.0 में आपके पजल्स DI की बहुत शानदार प्रैक्टिस थी। अब आप चाहते हो कि सर टॉपिक वाइज मैं कंसेप्ट करना चाहता हूँ तो विद्या बैच है, संपूर्ण बैच है, इस तरह के बहुत सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। 6 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लो, 1000 रुपये का पड़ेगा, सब आ जाएगा उसके अंदर। एक बार साइट विजिट कर लेना, उधर से काम बन जाएगा। बाकी फ्री से पढ़ना है तो यूट्यूब पे M3 वाली जो प्लेलिस्ट है 2021-22-23 इनमें से कुछ भी आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है जी। देन अपने बात करेंगे करंट अफेयर्स GA के बारे में। तो करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी के पास, अफेयर्स क्लाउड की अभी इतनी बड़ी सेल चल रही है, 74% ऑफ चल रहा है सीधा बेस प्राइस से, और उसके बाद भी कोड वर्चुअस लगाने पे 10% का फर्दर डिस्काउंट। तो ये मैं किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड से एक बार एनुअल सब्सक्रिप्शन खरीद लो, जिस भी महीने में एग्जाम है, जैसे 5 दिसंबर का शायद आपका एग्जाम डेट है, तो उससे 3 से 4 महीने पहले की PDFs कंप्लीट कर लो, वीकली PDFs, और साथ ही साथ पिछले 3-4 महीने के मंथली MCQs ये अच्छे से निकाल लो, बहुत बढ़िया होगी। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, आगे जितने भी आप मेंस दोगे उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छा अच्छा आपको सिस्टमैटिक तरीके से कंटेंट दिया जाता है अफेयर्स क्लाउड के द्वारा। और जैसे मैंने कहा अभी तो बहुत बड़ी, 1 नवंबर से 11 नवंबर तक इनकी सेल है, 74% तो सीधा ऑफ है, उसके बाद कोड वर्चुअस लगाने पे 10% फर्दर डिस्काउंट, और क्या चाहते हो यार, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल रहा हूँ, करियर्स क्लाउड का जो ऐप है, अफेयर्स क्लाउड का जो ऐप है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब रही बात टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए, तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको गाइडली का सजेशन देता हूँ, गाइडली की टेस्ट सीरीज से बढ़िया टेस्ट निकालिए, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोशिश कीजिए कि सेक्शनल मॉक्स थोड़े ज़्यादा दें, सेक्शनल मॉक्स ज़्यादा दोगे तो समय मिलेगा बाकी चीज़ें करने का, फुल मॉक में पूरा दिन निकल जाता है। तो फुल मॉक का ऐसा रखो कि यार पेपर से पहले पहले 5-1 फुल मॉक में दे लूँ, बाकी सेक्शनल मॉक दूँ, वो मोर देन सफिशियंट है, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव के लिए ऑलरेडी आपका गाइडली का मैंने सजेशन दे रखा है, बाकी आप विजिट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव का आई थिंक 199 रुपये का इनका कुछ ना कुछ है, जिसपे वर्चुअस कोड लगने के बाद 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और वो आपके पड़ेगा 170-165 ऐसा कुछ पड़ेगा, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। और गाइडली की जो टेस्ट सीरीज है उस पर भी अपना डिस्काउंट कोड वर्चुअस काम करेगा, सीधा 12% ऑफ है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी SBIPO मेंस के लिए मैं क्या लाने वाला हूँ, अभी मेरी M3 वॉल्यूम 3 की सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बढ़िया वाली लेवल की, अभी IBPSPO मेंस का एग्जाम हो जाए उसके बाद फिर आगे भी अपने कंटिन्यू करते रहेंगे और बढ़िया वाली अच्छी लेवल की प्रैक्टिस होगी, तो वो भी आप जाके परचेस कर सकते हो, वो रीजनिंग के लिए। बाकी मेरा सजेशन है कि BB सब्सक्रिप्शन लो, उसमें 1000 रुपये के अंदर आपका ऑल एक्सेस आ जाएगा, कितने आई थिंक 15 से 16 कोर्सेज आपके आने वाले हैं उसके अंदर, तो उससे बढ़िया और क्या है भाई, वो बीट ही नहीं हो सकते। और सेक्शनल मॉक्स का मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे हर 2 से 3 दिन में एक सेक्शनल मॉक दो, एक सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग का हर 2 दिन में एक सेक्शनल मॉक दे सकते हो, क्वांट्स का हर 2 से 3 दिन में दे सकते हो, इंग्लिश का हर 2 से 3 दिन में दे सकते हो, इस तरीके से फुल मॉक्स का एक पूरा वीक का बना लो, जैसे कि अपने इस वीक में एक दे देंगे, ठीक है, इस वीक में अगर अपने पॉसिबल हो पाए, अगर टाइम मिलता है संडे को, जैसे टाइम मिल पाए तो संडे को दे दो, सैटरडे को तो शायद आपका IBPSPO मेंस का पेपर रहेगा, तो संडे को अगर पॉसिबल हो पाए तो संडे को दे दो, संडे को ऐसा है कि नहीं सर SBIPO प्री है तो अगले दिन फिर मंडे को दे दो उसका फुल मॉक दे दो। सेक्शन मॉक ज़्यादा दो, उससे आइडिया लगाओ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है, क्योंकि SBIPO मेंस का सबसे बड़ा डर बच्चों का ये रहता है कि सर लेवल ही बहुत ज़्यादा होगा, बहुत मुश्किल होगा, बट ये एक मिथ है, अपने को मुश्किल वाली चीज़ तो करनी नहीं है, मुश्किल चीज़ तो वैसे भी पेपर में जिनका सिलेक्शन होता है वो कोई मुश्किल चीज़ थोड़ा करते हैं, वो तो बस जो डुएबल पोर्शन है उसको ढूंढ के सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं शांति से,
क्योंकि उनको पता है कि मेरे को बस इतना ही तो करना है, मेरे को कौन सा बाकी है इसमें करना है। तो जल्दबाजी करते नहीं, पैनिक करते नहीं, जिससे सिली मिस्टेक भी नहीं होती और जिससे कॉन्फिडेंस भी, फिर मतलब एक बार हड़बड़ाता है इंसान तो उसके बाद उसकी एफिशिएंसी वैसे ही खत्म हो जाती है। तो हड़बड़ाना नहीं है, ये सीखना है अपने को सेक्शन मॉक्स और फुल मॉक्स दे के, और खुद को ट्रेन करना है इस तरीके से कि यार हाँ पूरा पेपर चाहिए, उसमें ज़्यादातर चीज़ें मुश्किल होंगी पर मेरे को जितना करने की ज़रूरत है उतना डूएबल पोर्शन ज़रूर होगा, वो मुझे सही ऑर्डर में ढूंढना है और उसको निपटाना है, बस ये टारगेट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी जितने भी सजेशंस दिए हैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, और एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज की मैंने SBA PO Pre की क्लास ली थी, उसको डिलीट करना पड़ा है आप लोगों के कारण, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए यार। देखो ऐसे मैं आप लोगों को कभी नहीं बोलता, बट SBA PO Pre का मेमोरी बेस्ड वाला पेपर बनाने में मेहनत लगी थी, और उसमें फिर आप 30 बच्चे आ रहे हो, 35 बच्चे आ रहे हो, तो ये नहीं एक्सेप्टेड है यार। PDF जरूर मैंने डाल दिए जिससे आप लोगों का नुकसान ना हो, टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दिए, PDF सॉल्व कर लो, पर वीडियो मैंने डिलीट कर दिया। अब कल मैं आप लोगों के लिए SBA PO Pre का एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहा हूँ, उस क्लास में यार आपको अटेंड करना है। देखो इतना भी डिसरेस्पेक्ट करना सही नहीं होता है ना, तो SBA PO Pre का कल आपको मैं, जिनका 4 तारीख और 6 तारीख का एग्जाम है जरूर जरूर आइएगा, 35 क्वेश्चन अपने करेंगे, बकायदा एग्जाम रिलेवेंट करेंगे, जिस तरह का आपको 4 और 6 को देखने को मिलेगा। अभी 1 तारीख को पेपर हुआ, अच्छा किया कि नहीं किया आपने मेरे से पढ़ के बता दो, जितने भी बच्चे मेरे से पढ़े रीजनिंग का अपना अटेम्प्ट बता देना शिफ्ट के साथ, क्योंकि मेरे को जितने बच्चों ने फीडबैक दिया बहुत ही मैं खुश था उनके अटेम्प्ट से, बहुत बढ़िया है। 4th शिफ्ट में थोड़े अटेम्प्ट कम हुए पर क्योंकि पेपर मुश्किल था इसलिए कम हुए, पर शिफ्ट की लेवल के हिसाब से अच्छा अटेम्प्ट हुआ है। तो कल 6:30 बजे सभी को क्लास लाइव अटेंड जरूर करनी है, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। राधे राधे।